नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को पुलिस और आर्मी के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान संदिग्ध जगह पर पहुंचे तो आतंकियों ने पुलिस और आर्मी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके में लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है। तो वहीं सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हालांकि इस बीच 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं बताया जा रहा है कि कई और आतंकियों के छुपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब बात कोरोना की करेंगे। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच बीते 2 दिनों में कोरोना के आंकड़े 40,000 से कम दर्ज किए गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार आंकड़ों में इजाफा भी हो रहा है। वहीं बात करें अब तक बीते 24 घंटे में 39,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 546 लोगों की मौत हो गई। बता दें कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे, वहीं 40,000 मामले बीते 2 दिनों में दर्ज किए गए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में 39,000 मामले दर्ज किए गए। वहीं राहत की बात यह है कि लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच बीते 2 दिनों में आंकड़ों में कमी आई है, तो वहीं 24 घंटे में 546 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके साथ ही लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,00,000 से ज़्यादा दर्ज कर दी जा चुकी है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अब तक महामारी की शुरुआत से लेकर 3,13,32,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और वहीं कुल संक्रमितों की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में लगातार आफत की बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलग अलग भूस्खलन की घटना में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के साथ ही केंद्र सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में बारिश कहर बनकर बरसती है। दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां भूस्खलन की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आ चुकी है। इस घटना में अब तक 44 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसके साथ ही 3 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए। बता दें जानकारी की माने तो रायगढ़ के 6 अलग अलग इलाकों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही परिजनों को राहत के रूप में 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा भी की गई है, तो वहीं दूसरे घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने की घोषणा भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई है। बात कोरोना की करेंगे, और इसी बीच वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां दुनिया में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस बीच यूरोप में मॉडर्ना की बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल यूरोपीय देश में 12 से 17 उम्र के बच्चों पर मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही इससे पहले फाइजर को भी मंजूरी मिल गई थी। आपको बता दें 2 से 17 साल के करीब 3,732 बच्चों पर इसका ट्रायल किया गया, जिसके बाद इस मंजूरी को दी गई है। वहीं फाइजर ने अपनी वैक्सीन का ट्रायल 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर शुरू कर दिया है। इसमें पहले चरण के स्टडी में कम संख्या में छोटे बच्चों को वैक्सीन के अलग अलग डोज दी जाएंगी। इसके लिए फाइजर ने दुनिया भर के 4 देशों में 4,500 से अधिक बच्चों को भी चुना है। अब बात करेंगे राजस्थान के। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच चल रही तनातनी के बीच जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के संकेत मिल गए हैं। और माना जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे के 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसको लेकर शेयरिंग फॉर्मूला आला कमान की ओर से तैयार भी किया गया है। दरअसल राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बाद अब खत्म होने के संकेत मिलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि आला कमान जल्द ही राजस्थान के झगड़े को सुलझाना चाहता है, जिसको लेकर राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही पायलट खेमे के 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं आपको बता दें अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार घमासान चल रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि आला कमान ने शेयरिंग फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके चलते दोनों ही खेमों को खुश करने की तैयारी की जाएगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अशोक गहलोत को दिल्ली तलब भी किया जाए, जिसको लेकर इस वक्त राजस्थान में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सन स्टार टीवी।